हाय दोस्तों, मैं केशव भारद्वाज। जहाँ तक दिख रहा है कि आज रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग क्लास में आप लोगों को क्लासिफिकेशन चैप्टर दिखाया जा रहा है बीएससी एकेडमी में। बीएससी एकेडमी रिजल्ट के लिए क्यों जरूरी है सबको पता है। यहाँ पर कोई भी चैप्टर छोड़ा नहीं जाता है। हर चीज़ की नॉलेज, चाहे वो कितना भी छोटा चैप्टर हो, बेसिक से एडवांस लेवल होती है और सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है। जो बीएससी एकेडमी में क्लास लेता है उन टीचर को भी बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है और जो बच्चे लेते हैं उनको तो पढ़ना ही होता है। इसी कारण बीएससी एकेडमी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी चैप्टर को आसान समझकर छोड़ मत देना। छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करना। जैसे बहुत छोटा चैप्टर ये क्लासिफिकेशन, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, देखना है। ये सब चैप्टर एक ऐसा चैप्टर, कहीं ना कहीं मिस्टेक होने का है डर, गलती होने का। देखो, अच्छा अच्छा चैप्टर जब पढ़ाऊंगा उस समय मिस्टेक नहीं होगी, गलती नहीं होगी। गलती ये छोटी छोटी चैप्टर में कोई ना कोई क्वेश्चन होने का डर होता है। इसी कारण ये सब चैप्टर को ठीक से सुनना चाहिए। जो टीचर आपको दे रहा है वो उसको ठीक से सुनो, समझो। आप देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्लास, यानी सेम क्लास का। तो सेम क्लास पूछने का तरीका कई हो सकता है। ऑड करके पूछ सकता है, या हो सकता है दो दो वर्ड मतलब जिस बीएससी एकेडमी है, बीएससी एकेडमी का बैच नंबर 1, 2, 3, 4 है, तो अब बैच नंबर 1 लिखा है और उसी के किसी स्टूडेंट का नाम लिखा, बैच नंबर 2 लिखा उसी बैच के किसी स्टूडेंट का नाम लिखा, बैच नंबर 3 बगल में लिख दिया 4 नंबर बैच का स्टूडेंट, तो बैच नंबर 3 का स्टूडेंट नहीं था ये मालूम है आपको, तो वो क्या हो गया, ऑड हो गया और गलत हो गया। तो इस तरह से भी केस जाती है। क्या क्या क्वेश्चन आता है, कैसे होता है, वो आगे आप लोग देखोगे। क्लियर पॉइंट। मीडियम बोथ मीडियम में होगी, किसी भी मीडियम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी जब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब चलो दोस्तों, फर्स्ट ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें कह रहा है क्या, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन फाइंड द ऑड वर्ड। कौन सा वर्ड कर रहा है, विषम। तो क्या क्या ऑप्शन है, देखो, ट्रीज, लीव्स, फ्लावर, स्टेम्स, इसमें कहता ऑड कौन है। तो देखो, सेम क्लास का जो है वो अलग हो जाएगा, जो सेम क्लास नहीं है, जो ऑड है उसको अलग कर दोगे, वही आंसर पूछा जा रहा आपसे। तो देखो, ट्रीज जो है, लिप्स क्या है, पत्ता, इसका एक पार्ट है। फ्लावर क्या है, इसका एक पार्ट है। स्टेम क्या है, इसका एक पार्ट है। तो यहाँ ऑड कौन होगा, ट्रीज हो जाएगा, पत्ते, फूल, तना, इस सब का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये अदर द पार्ट्स ऑफ ट्री, दूसरे जो भी है वो ट्री का क्या है, एक पार्ट है। इसी कारण यहाँ पर गलत कौन होगा, ऑड कौन हो जाएगा, पेड़, ट्री। क्लियर पॉइंट दोस्त। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखो, म्यूजिक, सिंगर, डायरेक्टर, एक्टर। अब तुम ही बताओ, सिंगर कोई पर्सन होता है ना, डायरेक्टर कोई पर्सन होता है, एक्टर कोई पर्सन होता है, क्या म्यूजिक कोई पर्सन होता है, क्या म्यूजिक तो म्यूजिक होता है यार, गाना। तो यहां पर ऑड कौन हुआ, तो दिख रहा है म्यूजिक क्या होगा, ऑड होगा। गायक कोई पर्सन होगा, निर्देशक, अभिनेता, तो आंसर क्या होगा, संगीत आपका आंसर होगा। चलो बेटा, थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है चेयर, सोफा, कोच, टेलीविजन। कुर्सी, सोफा, कॉच, टेलीविजन, दिख रहा है यार ये बैठने की चीज है, ये भी बैठने की चीज है, ये भी सिटिंग का चीज है, लेकिन टेलीविजन क्या है, टेलीविजन के बारे में क्या, ये देखने की चीज है। टेलीविजन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड अदर आर यूज टू सिट। टेलीविजन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अदर जो है वो क्या है, बैठने की चीज है। तो यहाँ पर ऑड कौन होगा बेटा, टेलीविजन। चलो आगे देखो, फिर देखो, चेयर, बेंच, वेज, सोफा। चेयर बैठने का चीज है, बेंच ये भी सिटिंग का चीज है, सोफा सिटिंग का है, बेड क्या है, लेटने का। इन बेड इज यूज्ड टू स्लीप, बेड जो है यूज होता है स्लीप के लिए, जबकि चेयर, बेंच एंड सोफा आर यूज्ड टू सिट। बेड को छोड़कर ये तीनों के तीनों क्या है, बैठने के लिए है। क्लियर पॉइंट दोस्त। चलो बेटा आगे देखते हैं। अब देखो, फाइव नंबर क्वेश्चन क्या है, नायलॉन है, वूल है, सिल्क है, कॉटन है। आप नायलॉन के बारे में जानते हो कि नेचुरल फाइबर नहीं है, नायलॉन नॉट ए नेचुरल फाइबर, जबकि अदर जो है वो नेचुरल फाइबर है, नेचुरल है फाइबर नहीं, नेचुरल है। जैसे वूल जानते हो भेड़ से बनाया जाता है, सिल्क कीड़ा होता है इसका रेशम, कॉटन ये भी नेचुरल है, लेकिन नायलॉन जो है ये नेचुरल नहीं है। क्लियर। तो यहां पर ऑड कौन हो गया, नायलॉन। चलो सिक्स नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, फुटबॉल, हॉकी, कैरम, क्रिकेट, फटाफट देखो आंसर आ गया होगा दिमाग में, आंसर आ गया होगा,
कैरम देखने के साथ ही क्यों कैरम दिया भाई, तो कैरम को छोड़कर एक्सेप्ट कैरम ऑल आर आउटडोर गेम, कैरम को छोड़कर सभी के सभी क्या है आउटडोर गेम है, मींस घर से बाहर खेला जाता है, फील्ड में खेला जाता है, लेकिन कैरम घर में इंडोर गेम कहा जाता है इसको। क्लियर दोस्त? चलो सेवन देखो, आ गया होगा माइंड में सेट, क्वेश्चन देखने के साथ ही ये सब दिखना चाहिए। दिख रहा है क्या दिख रहा है? वॉल क्लॉक, पेंटिंग, फोटो फ्रेम, कारपेट है, तो दिख रहा है कारपेट होगा। क्यों कारपेट होगा? तो कारपेट इज यूज ऑन फ्लोर, कारपेट फ्लोर पर यूज किया जाता है, जबकि अदर आर यूज ऑन वॉल, इसके अलावा जो कुछ भी हो दीवार पर टांगी जाती है, इसी कारण मेरा आंसर क्या हो जाएगा? कालीन। क्लियर? चलो एट नंबर क्वेश्चन देखो, आठ नंबर क्वेश्चन क्या दिख रहा है यहां पर? चाकू, काटा, तस्तरी, चम्मच, नीफ, फॉर्क, प्लेट, स्पून। अब देखो तुम, ये कोई भी सामान, कोई भी खाने का चीज, या पिज्जा लेते हो तो पिज्जा क्या होगा? प्लेट में आएगा, प्लेट में रखा रहेगा, और इस चाकू का, नीफ का यूज क्या होगा? उसको काटने के लिए। फॉर्क काटा के क्या होगा? उसको लेकर खाने के लिए। स्पून का क्या होगा? चम्मच लेकर खाने के लिए। ये तमाम चीज एक है जो कि किसी भी चीज को लेकर आप खाओगे, लेकिन प्लेट क्या होगा? प्लेट मुंह के पास नहीं जाए खाने के लिए, वो क्या होगा? एक यूज होता है किसी चीज को रखने के लिए। तो यहां पर सटीक आंसर क्या हो जाएगा मेरा? प्लेट ऑड है। ठीक है बेटा, चलो अब ये देखो नाइन नंबर क्वेश्चन दिख रहा है सबको। तो नाइन में क्या है? पतलून, कमीज, पेंट, निकर, ट्राउजर, शर्ट्स, पेंट्स, शॉर्ट्स, ये तमाम चीज क्या होता है? एक सेम है जो नीचे पहना जाता है, शर्ट क्या जाता है? ऊपर पहनने का चीज है, दिख रहा है कि नहीं? तो नाइन में क्या होगा? एक्सेप्ट शर्ट, अदर आर वन इन लेग्स, शर्ट को छोड़कर सभी के सभी को लेग में पहना जाता है, और शर्ट हमारे ऊपर पहना जाता है, लेग में पहना नहीं जाता है। तो ऑड कौन हुआ बेटा? शर्ट, कमीज। चलो क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा है सबको, 10 नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या दिख रहा है? फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, वॉलीबॉल है। तो देखो ये बिग बॉल, बास्केट भी बिग है, वॉलीबॉल क्या बिग बड़ा है, लेकिन क्रिकेट बॉल क्या होता है? इतना बड़ा होता है क्या? छोटा होता है। क्रिकेट बॉल क्या होगा? छोटा होगा। तो क्रिकेट बॉल इज स्मॉलर देन अदर बॉल, क्रिकेट बॉल जो है दूसरे बॉल से क्या है? छोटा है, और ये सभी बड़े बॉल के रूप में होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रिकेट बॉल। चलो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर? आई, टंग, नोज, ब्रेन, आंख, जीभ, नाक, मस्तिष्क। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई, टंग, नोज, ब्रेन, तो इसमें क्या करेंगे? ऑल एक्सेप्ट ब्रेन आर सेंस ऑर्गेन, जैसे आई से हम देखते हैं, टंग स्वाद चखते हैं, नोज स्मेल करने के लिए होता है, लेकिन ब्रेन जो है, ब्रेन क्या है? वो सेंस ऑर्गेन नहीं है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन। चार 12 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर, गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। 12 नंबर क्या कहता है? गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। तो आप देखो इसमें क्या कह रहा है, ये टन, क्विंटल, किलोग्राम, ये तमाम क्वेश्चन है क्या है? ये तमाम क्वेश्चन वेट को, वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड के वजन को नापने का चीज है, गैलन नहीं है। तो यानी क्या कह रहा है? ऑल एक्सेप्ट गैलन आर यूनिट्स फॉर मेजरिंग द वेट्स ऑफ सॉलिड्स, यानी गैलन को छोड़कर सभी के सभी क्या है? सॉलिड को नापने का एक यूनिट है, इकाई है, ये नहीं है। तो दिख रहा है आंसर गैलन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिख रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, चलो 13 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पॉलिस्टर, सूती, टेरिलिन, नायलोन, 13 दिख रहा है सबको, कहता ऑल एक्सेप्ट कॉटन आर सिंथेटिक फाइबर्स,
ठीक है ना। लेकिन कॉटन जो है ये नेचुरल फाइबर है, पॉलिस्टर क्या सिंथेटिक है, टेडिलिन नायलोन, तो यहां ऑड कौन हो जाएगा बेटा, सूती मेरा ऑड हो जाएगा। चलो आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखो, 14 में क्या कह रहा है, लकड़ी कार्क पत्थर कागज, वुड कॉर्क पेपर स्टोन। अब इसमें दिख रहा है, देखने से पता चल रहा है कि स्टोन होगा, नहीं दिख रहा है क्या, क्यों, ऑल एक्सेप्ट स्टोन, स्टोन को छोड़कर आर ऑपरेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ट्रीज। स्टोन को छोड़कर चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होता है, ब्रिक्स से बनता है, जैसे वुड लकड़ी ब्रिक्स से बनेगा, पेपर, पेपर भी कागज क्या होता है, बांस से, ब्रिक्स से ही बनता है, कार्क किससे बनता है, यानी स्टोन को छोड़ दो, स्टोन को छोड़कर चाहे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सभी को बनाने में वृक्ष का यूज होता है। क्लियर, तो यहां आंसर क्या होगा, स्टोन। चलो 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन, 15 देखो तो क्या कह रहा है, भूल सुधार संशोधन सुधार ऊंचाई, करेक्शन इंप्रूवमेंट बेटरमेंट एलिवेशन। तो यहां देखो क्या दिख रहा है आपको 15 में, कि एलिवेशन छोड़कर, एलिवेशन छोड़कर ऊंचाई को छोड़कर सारे के सारे क्या हो रहा है, एक तरह से सिनोनिम तरह यूज हो रहा है, एक दूसरे के समानार्थक शब्द है, नहीं दिख रहा है क्या, भूल सुधार संशोधन सुधार करेक्शन इंप्रूवमेंट बेटरमेंट सारे के सारे क्या है, सिनोनिम एक दूसरे के, एलिवेशन को छोड़कर। तो ऑड कौन होगा यहां, एलिवेशन, 4 नंबर। क्लियर, चलो 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो, 16 में क्या कर रहा है, अब तुमको पता यहां पर इससे पहले क्या था, 4 था ऑड था, अब 16 से क्या आ गया कि पेयर, पेयर ऑड पेयर कौन है, ऑड पेयर कौन होगा। तो अब देखो यहां पर क्या कर रहा है, मरकरी सन, मरकरी सन, तो क्या कर रहा है, सन के चारों ओर घूमने वाले सारे ग्रह है कि नहीं, सन है, सन के चारों ओर सारे ग्रह मूव करती है, तो मरकरी भी मूव करती सन का। चलो अर्थ, अर्थ के चारों ओर घूमने वाला मून, इसका मून के चारों ओर चक्कर लगाने वाले कौन होते हैं, अर्थ के, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाने वाले मून, स्टार गैलेक्सी व्हील एक्सेल, व्हील एक्सेल जो है इसका भी देखो 16 में, व्हील और एक्सेल भी जो है क्या हुआ है, भैया धुरी, धुरी पर घूमने वाला है भैया, ठीक है, चारों ओर घूमने वाला ही है, तो सिर्फ एक ऑप्शन दिख रहा है, स्टार गैलेक्सी, गैलेक्सी का एक पार्ट होता है, आकाश गंगा का एक पार्ट होता है सभी की, आकाश गंगा के चारों ओर चक्कर लगाने वाला स्टार नहीं होता है, इसी कारण यहां डिफरेंस क्या होगा बेटा मेरा, स्टार एंड गैलेक्सी। क्लियर, आकाश गंगा और तारा। चलो आगे देखो 17 नंबर क्वेश्चन, 17 में क्या कह रहा है, ट्री स्टेम यानी पेड़ का एक पार्ट होता है तना, फेस आई, तो फेस का भी एक पार्ट होता है आई, फेस है, फेस का एक पार्ट है, एक भाग है, जिसे ट्री का एक भाग स्टेम है, तना है, उसी तरह फेस का भाग भी क्या है, आई है, ठीक है। इसके बाद दिया है चेयर सोफा, तो चेयर सोफा एक अलग चीज है ना, बैठने का चीज है, बैठने का, लेकिन कुर्सी का भाग तो सोफा नहीं है, या सोफा का भाग कुर्सी तो नहीं है। प्लांट फ्लावर, प्लांट का एक पार्ट है फ्लावर, प्लांट में फ्लावर होता है, एक पार्ट है, तो सारे ये तीनों सेम दिख रहा है और ये क्या है, अलग है, तो मेरा 3 नंबर आंसर हो जाएगा, यानी सी के अलावा जितने भी है, फर्स्ट मूव अबाउट द सेकेंड, फर्स्ट जो है, सॉरी फर्स्ट जो है, फर्स्ट का एक पार्ट है, सेकेंड फर्स्ट का पार्ट है 17 में, तो ऑल अदर पेयर सेकेंड इज ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 18, अब 18 में देखो सेम चीज है, क्या दिख रहा है 18 में, अपराध सजा, फैसला वकालत, उद्यम सफलता, व्यायाम स्वास्थ्य, पता चल गया होगा, इतना चीज पढ़ने के साथ ही आप लोगों को दिमाग में सेट हो गया कि क्या कहना चाह रहा है। तो क्या दिख रहा है कि सेकेंड इज द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट, अपराध करने पर सजा मिलेगी, तो इसका ये करने पर ये रिजल्ट निकल रहा है, उद्यम करोगे इंटरप्राइज करोगे सक्सेस मिलेगी, इसका एक रिजल्ट है, एक्सरसाइज करोगे तो हेल्थ सही होगा, इसका एक रिजल्ट है, लेकिन जजमेंट एडवोकेसी फैसला वकालत, इसका एक रिजल्ट ये नहीं दिख रहा है, रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो ऑड क्या होगा, 2 नंबर ऑड होगा,
क्लियर पॉइंट, तो इसका मतलब 18 का क्या होगा आंसर, 2। चलो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या कह रहा है। 19 पुस्तक पृष्ठ, बुक पेज, बुक का एक पार्ट है। टेबल ड्रॉअर, टेबल में भी क्या होता है, ड्रॉअर होता है, एक पार्ट है उसका। उसके बाद कार व्हील, कार का भी एक पार्ट है व्हील, देखो इसका एक पार्ट है, इसका भी पार्ट है इसका है। लेकिन ये जो है लूम और क्लोथ यानी कपड़ा का ये पार्ट नहीं है करघा, ये अलग अलग चीज हुआ, तो इसका मतलब ऑड कौन हुआ मेरा, 3। ऑड क्या हो जाएगा, 3 नंबर, यानी 3 को छोड़कर सभी क्या है, सेकेंड इज पार्ट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट, तो इसी कारण मेरा यहां रॉन्ग क्या हो जाएगा, 3। चलो आगे देखते हैं 20 नंबर। अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 20 में कक्षा विद्यार्थी, ये भी देखा कक्षा के एक पार्ट है, हाँ या ना। वाक शब्द, वाक और शब्द, तो ये भी क्या हो गया, वाक का एक पार्ट है ना, कई शब्दों से मिलकर वाक बनता है, कई विद्यार्थियों से मिलकर कक्षा बनता है, घंटा मिनट, मिनट घंटा का एक पार्ट है। पेड़ बन, देखो बन का पार्ट पेड़ हो सकता है था, फॉरेस्ट का पार्ट, ट्री का पार्ट बन नहीं होगा, इसमें क्या है, पहला का सेकेंड पार्ट है, फर्स्ट का सेकेंड है, फर्स्ट का सेकेंड एक पार्ट है, लेकिन 3 नंबर में पेड़ का पार्ट बन नहीं होता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का एक पार्ट हो सकता था ट्री, लेकिन ट्रीज का पार्ट फॉरेस्ट होगा, गलत है ना, तो यहां रॉन्ग कौन हो गया, 3। द सेकेंड ए यूनिट ऑफ द फर्स्ट, सेकेंड जो है फर्स्ट का एक पार्ट है, एक यूनिट है, लेकिन यहां पर ये नहीं बन रहा है, तो 3 नंबर मेरा क्या होगा, गलत होगा। ठीक है बेटा, चलो बहुत आसान चैप्टर, मैंने फर्स्ट ही कहा कि ये सब चैप्टर बहुत ही ईजी होता है, ईजी होने के बावजूद भी गलती इसी सबसे होता है बेटा, रेलवे हो चाहे SSC हो, CET का हो रहा है, CET में भी ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट पार्ट, गलती होने की चांस होते हैं। इसी कारण इसमें क्या होता है, कुछ ज्यादा क्वेश्चन टीचर से आप डिस्कस करवा लेते हो तो चीजें दिमाग पर सेट होती है, फिर एग्जामिनेशन हॉल में गलत नहीं होगा। कुछ चीजें तो डायरेक्ट अपने आप दिख जाता है, कभी कभी दिक्कतें होती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन से डिस्कस हो जाने के बाद एक पॉजिटिव थिंकिंग आ जाता है तेरे दिमाग में और क्वेश्चन सही होना शुरू हो जाता है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अब देखो भैया अखबार संपादक, न्यूज पेपर तैयार करता है एडिटर, फिल्म तैयार करता है डायरेक्टर कह सकते हैं ना, बुक तैयार करता है ऑथर, अखबार संपादक, फिल्म निर्देशक, पुस्तक लेखक, लेकिन टिकट तैयार टिकट संग्राहक नहीं करता है। ठीक है ना, ये अलग अलग चीज हुआ, तो मेरा रॉन्ग कौन होगा, 3 नंबर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, दिख रहा है कि इसका भी, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर बाय द सेकेंड, पहला चीज जो बनाता है वो सेकेंड, जैसे न्यूज पेपर एडिटर, फिल्म डायरेक्टर, बुक ऑथर, और ये चीज अलग है, रॉन्ग नंबर। 21 के बाद देखो 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 में क्या कह रहा है, एफिड पेपर, कीट वन ऊन, दीमक लकड़ी, टिड्डी पौधा, दिख रहा है ना, तो इसमें देखो मेन यहां पर क्या आप लोग को समझ में आ रहा है कि फर्स्ट जो है डैमेज कर रहा है सेकेंड का, जैसे कीट जो है मौत उल को डैमेज करता है, टर्मिट दीमक जानते हो लकड़ी में लगता है तो लकड़ी को क्या होता है, बर्बाद कर देता है, तो फर्स्ट सेकेंड को बर्बाद कर रहा है, ये फर्स्ट सेकेंड को बर्बाद कर रहा है, लेकिन एफिड पेपर को बर्बाद नहीं करेगा। एफिड भी एक कीटाणु ही होती है जो क्या करता है, पत्तों पर लगती है, ठीक है ना, लेकिन कागज को बर्बाद करने के लिए एफिड का काम नहीं होती है, तो मेरा ऑड कौन हो गया, फर्स्ट नंबर, तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। चलो 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 देखो तो क्या कह रहा है, हार्ड सॉफ्ट एक दूसरे का एंटोनिम है क्या, नहीं, लॉन्ग हाई, तो क्या हो जाएगा, लंबा ऊंचा, सिनोनिम जैसा लग रहा है, स्वीट सॉर एक दूसरे के एंटोनिम है, पॉइंटेड ब्लंट दिख रहा है, नुकीला कुंद एक दूसरे के क्या है, ओपोजिट हुआ, ये भी ओपोजिट हुआ, ये
लंबा ऊंचा, ये चीज जो दिख रहा है बेटा, ये दोनों सिनोनिम जैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना, सेम जैसा दिख रहा है। तो आंसर कौन हो जाएगा मेरा, 2 नंबर हो जाएगा। तो क्या इसमें दिखा आपको कि वर्ड्स ऑल अदर पेयर्स एंटोनिम ऑफ इच अदर्स, एक दूसरे का एंटोनिम है लेकिन सेकेंड में क्या हो, सिनोनिम जैसा है। चलो फटाफट देखो तो 24 में क्या कह रहा है, 24 का है घबराहट, बर्फानी तूफान, गीला मूसला। देखो इसमें क्या हो रहा है, इसके कारण ये होते हैं, ड्रेंच होता है तो मॉइस्टर्न, यानी मूसलाधार बारिश होता है तो गीला हो जाते हैं, आवेश आवेश स्टेफ प्रिक क्या होता है, इसके कारण क्या होता है मेरा, प्रिक पीरा होता है, चमकना मलने से चमक पैदा होती है, किसी चीज को मलने से क्या होता है, चमक पैदा होती है, यानी एक दूसरे के कारण है, एक दूसरे का ये कारण है। लेकिन फर्स्ट नंबर जो है वो क्या है, बर्फानी तूफान एक अलग चीज है, घबराहट एक अलग है, ब्लिजार्ड और फ्लोरी एक दूसरे के कारण नहीं बन पा रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 24 का 1, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 25, अब देखो 25 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब इस तरह की भी क्वेश्चन आता है जिसमें कुछ न कुछ रिलेशन रिलेटेड होगा, 3 रिलेशन सेम होगा, 1 ऑड होगा। तो कैसे सेम है, तो देखो बेटा यू आप देख रहे हो 21 20 19, एक एक कम हो रहा है, पी क्या है 16, एन है क्या 14, एम कितना है 13। अब देखो यहां पर दे दिया कितना, 2 माइनस है और -1 है, यहाँ -1 -1 -1 है, तो पता चल जाएगा इसी 2 में से कोई एक होगा। आगे देखो के बदले क्या कहो 11 9, एच क्या कहो 8, तो यहाँ भी क्या दिख रहा है -2 -1, तो समझ में आ गया कौन सा होगा। यहाँ पर हम गलत किया क्या, यू हो गया 21 सही लिखा हूँ, -1 -1 या -2 -1, यहां भी क्या होगा -2 -1, और यहां भी तो -2 -1 ही होगा, तो देखो है ही -2 -1, तो सीधा सा फंडा क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि यहां -1 -1 है और अदर ऑप्शन में -2 -1 हो रहा है, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 1 नंबर। इसी तरह देखो बेटा इस सवाल में बस नवनी कर दो, अपने आप पता चल जाएगा, 5 है 7 है 9 है, यहां क्या 13 15 17, यहां क्या दिख रहा है 21 23 25, यहां क्या दिख रहा है 14 12 10। तो देखो तो क्या दिख रहा है, -2 -2, यहां क्या दिख रहा है +2 +2, अब आगे देखो तो क्या दिख रहा है +2 +2, यानी सभी जगह +2 +2 दिख रहा है, यहां भी +2 है बेटा, और यहां पर क्या दिख रहा है, तो यहां -2 -2, तो सभी जगह +2 +2 है और एक जगह -- है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आंसर सही हो जाएगा, यानी ये ऑड है, सिमिलर, इसी का सिमिलरिटी, और सब में सिमिलरिटी है, सेम रिलेशन है, इसमें अलग रिलेशन है, ठीक है। चलो बेटा आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन में फिर नंबरिंग कर दो डायरेक्ट, क्या है 23, ये क्या है 22, यू क्या 21, क्या दिख रहा है 23 से 22, मतलब -1, 22 से 21 -1, क्यू 17, पी 16 15, यहाँ भी क्या दिखा -1 -1, सेम है भी 7 5 4, यहाँ क्या -2 -1, एल देख लो यही होगा एल 12 11 10, तो यहाँ भी -1 -1, सभी जगह -1 -1 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर -2 और -1 था, तो मेरा ये आंसर सही हो जाएगा। तो 27 का क्या आ गया सी। अब देखो 28 नंबर क्वेश्चन देखो क्या हो रहा है, तो 28 की बात करते तो फिर वही हाल 1 4 7, तो क्या दिख रहा है +3 +3, ठीक है। आगे देखो ये क्या होगा 8 11 14, तो यहां पर की क्या दिख रहा है +3 +3, ये भी खेल हो रहा है। आगे देखो ओ क्या है 15 18 21, तो क्या हो रहा है 3 प्लस 3,
लेकिन ये क्या है 2, 4, 6, ये हो रहा है +2, +2, तो ऑड हो जाएगा 4 नंबर, 28 का 4 हो जाएगा, क्यों हुआ पता चल रहा है यार, ये सब सवालों को दम ही नहीं है, आपको अल्फाबेटिकल पोजीशन याद होना चाहिए, पोजीशन जैसे लिखोगे पता चल जाएगा कि क्या कंडीशन फॉलो हो रही है। चलो यहां भी देखो क्या हो रहा है, 4, 6, 8 आपको पता चल रहा है 2-2 का गैप है, 11, 13, 15 यहां भी 2-2 का गैप है, 17, अब यहां देखो 17 और 20 आ गया, 23 यहां क्या हो रहा है 3-3 का गैप हो गया, ये क्या है 2-2 का गैप है, सीधा सा फंडा ये आंसर दिख रहा है, 29 का क्या हो जाएगा 3, 30 नंबर क्वेश्चन देखो, 30 में भी देखो क्या दिख रहा है 14, 15, 12 ये क्या हो रहा है 5, 6, 3 ये 17, 18, 19 ये हो रहा है 23, 22, 21 क्या दिख रहा है यहाँ पर +1 और -3 यहाँ भी +1, -3 ये क्या हो रहा है +1, +1 ये क्या हो रहा है -1, -1 तो देखो यहाँ तो 2-2 ऑड दिख रहा था तो फिर क्या करोगे कहीं गलती तो नहीं हो रहा है देख लो ध्यान से पहला में -1 m 13 था सॉरी ये 15 लिखा गया है तो +1, -1 एक मिनट रुक जा बेटा ये बेटा 14 था ये 13 था ये 12 था ना ये 15 लिखकर मैंने गलती किया तो -1, -1 ठीक है इसके बाद 5, D 4 होगा ये भी गलती आपने लिखा 5 है बेटा 4 है 3 है तो ये भी -1, -1 ये भी सही है अब देखो ये भी -1, -1 तो सीधा सा फंडा दिख रहा है सब जगह माइनस हो रहा था और यहाँ पर प्लस प्लस का खेल चल रहा था तो ये मेरा गलत हो जाएगा ठीक है चलो अब 31 देखो नेपाल का ये बहुत ही आसान चैप्टर है बस वही होता है थोड़ा सा दिमाग को ठंडा करके नंबरिंग कर लेना और कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में बेटा देखो तो आगे क्या हो रहा है 3, 5 ये क्या हो रहा है 7 दिख रहा है 2-2 का 9, 11, 13 ये भी 2-2 का गैप जा रहा है प्लस होते जा रहा है लेकिन यहाँ देखो 15, 18, 21 ये क्या हो रहा है +3 और ये +3 यही ऑड हो जाएगा सब 2-2 का जा रहा है देखो नहीं ये 21, 24, 26, 22 है ये तो +2, +2 दिख रहा है ना सब जगह +2, +2 है और एक जगह मात्र +3, +3 है तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा 3 नंबर आंसर सही हो जाएगा तो 31 का भी सी आया अब चलो 32 की बात करते हैं फिर से वही हाल आ गया ठीक है ना क्या कह रहा है 3 ऑफ द फॉलोइंग 4 आर लाइक सर्टेन वे एंड हेंस फ्रॉम ए ग्रुप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेम चीज होगा ऑड कौन होगा एक ही लाइन में जैसे अभी आपने पढ़ा था सेम उसी तरह से यहाँ पर ऑड कौन होगा ये पूछ रहा है हमसे तो चलो 32 की बात करते हैं तो 32 में क्या है टहलना रोना खेलना जिंदा अब देखो वॉक एक्टिविटी है क्राय रोना भी एक्टिविटी है प्ले भी एक्टिविटी है एलिव जिंदा ये तीनों से क्या हो रहा है अलग हो रहा है ठीक है ना होगा कि नहीं सारा सेम हो रहा है और एलिव क्या है जिंदा रहना तो जिंदा रहना ये कहाँ टहलना जैसा होगा टहलना हम टहलते हैं खेलना रोना ठीक है ना तो जिंदा क्या होगा अलग चीज हो गई तो इसमें 4 नंबर आंसर हो जाएगा 33 अब 33 में देखो क्या कह रहा है 33 में भारी हैवी हाई शॉर्ट टॉल तो देखो हैवी एक अलग चीज है हाइट ये क्या है हाइट लंबा लंबा शॉर्ट छोटा और हैवी क्या हुआ है भारी चीज को देगा हैवी तो सभी रिलेटेड है कि लेंथ को मेजर करने वाला हैवी को छोड़कर ये वेट का हो गया और तमाम चीज क्या है लेंथ को नापने वाला तो ये तीनों क्या होगा सेम हो गया हैवी हो ऑड हो गया ये पूछ रहा है जो सेम नहीं है उसको कलेक्ट करो चलो आगे का लाइन देखो क्या कर रहा है उत्कृष्ट अच्छा उत्कृष्ट दयालु आउटस्टैंडिंग नाइस एक्सीलेंट काइंड अब देखो इसमें क्या हो जाएगा सारे के सारे काइंड को छोड़कर दयालु छोड़कर सारे परफॉर्मेंस है आउटस्टैंडिंग नाइस एक्सलेंट ये सब क्या है परफॉर्मेंस है रेंटिंग का ठीक है ना लेकिन काइंड क्या है प्रकार काइंड क्या है दयालु ये एक्टिविटी एक दिखाता है तो यहां पर रॉन्ग कौन हो गया मेरा
काइंड। चलो आगे की बात कर ले हम लोग। 35, इसमें क्या है? विजय, जीत, सफलता, वृद्धि। अब देखो, ट्रम्प विन, सक्सेस, ग्रोथ, एक अलग चीज दिख ही रहा यार। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ होना, लेकिन विन, सक्सेस, ट्रम्प, ये सब चीज होने पर एक प्रसन्नता होती है। ग्रोथ होने पर भी प्रसन्नता होती है, लेकिन ग्रोथ एक अलग चीज है और ये अलग चीज है, ठीक है ना। तो यहां पर वृद्धि जो है ऑड हो जाएगा। आगे देखो क्या कह रहा है। फिर कह रहा है निम्नलिखित में से 4-4 जो है सेम चीज है बेटा। फास्ट, क्विक, सडन, रैपिड, तेज, शीघ्र, अचानक, तीव्र। देखो दिख गया होगा आंसर क्या होगा, नहीं दिख रहा है क्या भैया? अचानक, सडन एक अलग चीज है, फास्ट, क्विक, रैपिड ये एक अलग सेंस दिख रहा है सेम, और ये डिफरेंट सेंस है। तो सडन यहां पर आंसर हो जाएगा। 37 देखो, देखने के साथ ही पता चल गया हो क्या होगा। जानबूझकर, विवेचना करना, निपटाना, बहस करना, तो क्या होगा यहां पर? देखो, डिस्कस करते हो, आर्ग्यू करते हो, सेटल करते हो, ठीक है ना। लेकिन ये जो जानबूझकर डी लेबरेट जो होती है, ये अलग नहीं है क्या? ये हम किसी से डिस्कस कर सकते हैं, आर्गू कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, एक दूसरे व्यक्ति से कर सकते हैं। जानबूझकर क्या हो गया? किसी एक दूसरे व्यक्ति से जानबूझकर क्या करना? तो सीधा सा फंडा दिख रहा है वन होगा। चलो आगे देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, 38 में क्या कह रहा है बेटा? सेब, पपीता, अमरूद, लीची, एप्पल, पपाया, लीची, गुआवा। देखो एप्पल देखा होगा, तो एप्पल को तुम बीचों बीचों 2 पार्ट या 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। पपाया, पपाया को भी कर सकते हो। गुआवा, गुआवा को भी कर सकते हो 2 पार्ट 4 पार्ट जो है। लीची नहीं कर सकते, उसमें गुठली होती है बीच में, उसको पार्ट में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, उसके अंदर वाला चीज जो है खाने लायक नहीं होती इतनी बड़ा। लीची इसलिए बिहार का एक फ्रूट्स है, फेवरेट फ्रूट्स होती है वहीं पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिफरेंस लीची है। अब लीची के बारे में जो जानता नहीं होगा तो उसको शायद ये समझ में नहीं आया होगा। चलो आगे देखो क्या कह रहा है। निम्न के 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार समान, सेम चीज है बेटा, सेम है। रेड, पिंक, ग्रीन, वायलेट, लाल, हरा, बैगनी, गुलाबी। तो आप लोग को एक चीज बताओ, यहाँ पर रेनबो तो देखा होगा ना, इंद्रधनुष जिसको कहते हैं, तो इंद्रधनुष बेनी हा पिलाला होता है ना, 7 रंग। तो इसमें देखो कौन सा है, पिंक जो है बेनी हा पिलाला में कहीं नहीं आएगा, भिबग्योर में कहीं, यानी इंद्रधनुष का ये कलर नहीं है, और तीनों के तीनों इंद्रधनुष का क्या है, कलर है, ठीक है ना, रेनबो का कलर है। तो आंसर क्या हो जाएगा? पिंक मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। आगे देखो, देखो मंथ का नाम दिया है, तो ये 31 डेज का होता है, ये भी 31 का होता है, जुलाई भी 31 होगा, तो दिख रहा है कि जून जो है वो 30 डेज का होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? जून मेरा आंसर हो जाएगा। चलो आगे की बात करें। 41 सेम एक पढ़ा चुका था, शर्ट, ट्राउजर, फ्रॉक, क्लॉथ। इसमें क्या होता है, इनके अलावा एक मात है जो कि लेग्स में पहनते हैं, नहीं सॉरी एक मिनट रुक जाओ, क्लॉथ भी है ना, यहाँ क्लॉथ भी है, ठीक से देखो 41। तो 41 में हमको क्या दिख रहा है, क्लॉथ का एक पार्ट है, ट्राउजर भी पार्ट है, शर्ट भी है, फ्रॉक भी है, क्लॉथ का एक पार्ट है, यानी कपड़ा का ही, कपड़ा, पतलून, कमीज एक पार्ट है। तो कपड़ा यहाँ पर ऑड हो जाएगा, डी नंबर 4 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41, 42 देखना, 42 अब देखो नंबर का खेल आ गया है कि नहीं। तो यहां पर क्या दिख रहा है, ये 11 का स्क्वायर है, ठीक है। चलो 11 का स्क्वायर से बात नहीं बन रही है, ये दिख रहा है, ये 11 से कट रहा है, डिवाइड हो रही है, ये भी 11 से डिवाइड हो रही है, ये भी 11 से डिवाइड हो रही है, और ये जो है 11 से डिवाइड नहीं हो रही है, हो रही है क्या? नहीं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 42 का 4 नंबर हो जाएगा। चले आगे, 43। अब देखो 43 में हम लोग क्या देखते हैं, जब इस पर नजर पड़ी तो आप एक प्राइम नंबर के बारे में जानते होंगे, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या। क्या होता है प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, इसके बारे में आप क्या जानते हो, कि जिसका ओनली 2 फैक्टर हो,
जिसका सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हो, सेल्फ एंड वन, स्वयं और वन से कटने वाला सिर्फ संख्या हो और दूसरी नंबर से नहीं डिवाइड हो प्राइम नंबर। लिस्ट प्राइम नंबर इज टू, सबसे छोटी आवाज एक प्राइम नंबर, वन प्राइम नंबर नहीं होता है। तो अब यहां पर देखो क्लियर रूप से दिख रहा है, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, दिस इज प्राइम नंबर, बट दिस इज नॉट प्राइम नंबर, ये इवन नंबर है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 43 का ए नंबर तुम्हारा सही जवाब होगा। आगे देखो 44 में क्या दिख रहा है, दिख रहा है यार, देखने के साथ ही पता चल जाएगा कि 13 का स्क्वायर ये दिख रहा है, ये 17 का स्क्वायर दिख रहा है, सॉरी 17 का स्क्वायर 289 होता है, ये 17 का स्क्वायर दिख रहा है, 529 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 529, तो दिख रहा है 23 का, तो 421 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऑड कौन हो गया 421, 421 को छोड़कर सभी किसी न किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा मेरा बी नंबर। चलो 45 देखो, 45 क्या कर रहा है, 45 में 10 20 15 30 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसमें क्या कर रहा है, 15 को छोड़ दो, सभी 10 का मल्टीपुल है, ऐसे भी कर सकते हो ना, सभी 10 का मल्टीपुल है एक्सेप्ट 15, तो आंसर डायरेक्ट 15 दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ, क्लियर। चलो 46 देखो, 46 में क्या कर रहा है, इवेन नंबर पर जाने सकते हैं कि सारे के सारे इवेन नंबर है कि नहीं, तो फिर क्या देखेंगे, सभी इवेन नंबर है ये भी पता चल गया, उसके बाद सारे नंबर 110 140 254 198 है, टू इस कंडीशन पर भी हम लोग सोच नहीं पाएंगे, ठीक है, तो अब ये किससे कंप्लीट, एक हो सकता है कि तीन नंबर कंप्लीट डिवाइड किसी से हो और तीसरा नहीं हो, तो देखो यदि 11 की बात करें तो 11 टेंजा ये हो रहा है, 11 से 4 1 5 5 10 ये भी 11 से डिवाइड है, 8 1 9 9 माइनस 11 की ड्यूलिटी का रूल होता है बेटा कि विषम स्थान पर ऑड प्लेस पर डिजिट है और इवन प्लेस पर डिजिट है उसके सम के बीच का अंतर जीरो हो या 11 हो या 11 का मल्टीपुल हो, जैसे 154 बिना कुछ किए हम कैसे समझ गए 11 से डिवाइड है, 4 1 5 होता है ये ऑड प्लेस वाला, इवन प्लेस पर 5 है, दोनों के बीच का अंतर जीरो है तो इवन से 11 से डिवाइड होगा, 198 है तो क्या करते हैं 8 प्लस 1 9 होता है, 9 दोनों का अंतर जीरो होता है, तो इसका मतलब ये भी 11 से पुनः डिवाइड होगा, तो सिर्फ 140 को छोड़ दो सभी के सभी नंबर 11 से पुनः डिवाइड है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर मेरा आंसर होगा, क्लियर है। चलो बेटा 47 की बात कर लेते हैं, हम देखो 47 देखने के साथ ही दिख गया होगा कि सभी परफेक्ट क्यूब नंबर, क्यूब है किसी न किसी का, जैसे ये क्या है 2 का क्यूब है, ये क्या है 3 का क्यूब है, ये क्या है 5 का क्यूब है, और 100 किसी का क्यूब है क्या नहीं है, ऑड कौन होगा यहाँ 103 नंबर, ठीक है बेटा। चलो 47 का 48 देखो, सबसे पहली बात ऑड इवेंट पर जाएगा नहीं कि दो दो नंबर ऑड नंबर है, नहीं जाएगा, डिविलिटी की बात करते थे एक छोटा सा चीज, जब भी बड़ा बड़ा नंबर हो ना तो डिवाइड से अच्छा है कि सम करो, 3 4 3 7 1 8 होता है, 8 1 9 होता है, 4 3 7 2 9 ये भी हो गया, 5 4 9 डिजिट का सम सब जगह 9 9 9 आ रहा है, और 3 4 1 एक नंबर है जिसके डिजिट का सम 8 आया, तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा ये नंबर, ठीक है बेटा। चलो आगे की बात कर ले, 49 क्वेश्चन नंबर 49 देखो, तो क्या हो रहा है 49 में, प्राइम ऑड इवेंट पर तो जाने सकते हैं, देखो तो ये 3 सेकुलेट डिवाइड है ना, ये भी 3 सेकुलेट डिवाइड है, 65 नहीं है 3 से डिवाइड है, नहीं 51 है ना, तो इसका मतलब एक नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं है और सभी के सभी नंबर 3 से पुनः डिवाइड है, तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर 65 आंसर होगा, 50 नंबर देख लो, क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिख रहा है, सेम केस है बेटा, लगता है 3 से डिवाइड वाला ही केस चलेगा, 3 से डिवाइड है, 3 से डिवाइड नहीं है, इसके बाद ये 3 3 से डिवाइड है,
थ्री से डिवाइड है 69 नहीं है, हो रहा है 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 की बात नहीं चलेगी। चलो देखता हूं, 15 नंबर में, क्योंकि जब आप देखते हो कि डिवाइड, तो इसमें डिवाइड है कि नहीं, तो 53, तो इसका आंसर 3 से यहां डिवाइड को तो क्या हो रहा है, ये डिवाइड है 39, यहां भी 3 से डिवाइड को तो क्या हो रहा है 23, यहाँ 3 से डिवाइड करो क्या हो रहा है 13, यहाँ 3 से डिवाइड करो तो क्या हो रहा है 19। अब देखो 3 से डिवाइड करने वाला, देखो अपने आप आ गया आंसर, जब एक बार देखा ना 3 से जब डिवाइड किया तो ये प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो ये प्राइम नंबर आ रहा है, यहाँ 3 से डिवाइड किया तो प्राइम नंबर आ रहा है, लेकिन यहाँ 3 से डिवाइड किया तो 39, दिस इज नॉट प्राइम नंबर। इन सारे 3 से तो कट रहा है, लेकिन 3 से कटने वाला सारे प्राइम फैक्टर है, ठीक है, लेकिन इसका आंसर प्राइम नंबर नहीं आ रहा था, आंसर 117 होगा, 4 नंबर आंसर होगा। क्लियर, 50 नंबर भी आ गया सबका। चलो 51 की बात कर लेते हैं अब। 51 क्या दिख रहा है, दिखने से आते ही आंसर दिख रहा है यार, 12 का मल्टीपल है, ये भी है, 98 को छोड़ दो, आंसर क्या हो जाएगा मेरा 4, 12 से नहीं कट रहा है, ठीक है, तो 51 का आ गया 4 नंबर। 52 की बात कर लेते हैं अब, देखो 52 फटाफट देखने के साथ ही बनना भी चाहिए यार, क्या दिख रहा है ये 200 तो कट रहा है सभी लोग, 17 अच्छा यहां भी सेम चीज आ गया बेटा, 2 से डिवाइड करने के बाद ये प्राइम नंबर आया और यहां प्राइम नंबर नहीं आया, इसका मतलब 33 आंसर आ गया, 52 का 3 नंबर आंसर आ गया, ठीक है। 2 का मल्टीपल सभी लोग है, सभी सारे नंबर, लेकिन उसमें से एक नंबर है जो 2 से डिवाइड होने के बाद भी वह इवन नंबर, क्या बन रहा है, इवन नंबर ही बन रहा है और सारे के सारे प्राइम नंबर बन रहा है। चलो फिर से आ गया लेटर का, सेम चीज जानते हो, इसमें कुछ नहीं करना यार, नंबरिंग लिख कर देना, ये 13, 14 दिख रहा है ना, ये क्या हो रहा है 8 और 19, इसके बाद 4 D4, ये क्या है 23 K11 15। अब देखो 13, 4, 27 यानी एक दूसरे का ऑपोजिट है, लेकिन 8 और 19 की बात करेंगे तो ये भी एक दूसरे के ऑपोजिट है कि 19 और 8 27 होता है, 4, 23 ये भी एक दूसरे का ऑपोजिट है क्योंकि सम 27 होता है, लेकिन यहाँ एक दूसरे का ऑपोजिट नहीं है कि 11 + 15 = 27 नहीं हुआ, ये एक दूसरे के ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, तो उसको कहते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट, तो क्या आंसर 4 आ जाएगा इसका, 53 का आंसर क्या होगा 4, ठीक है। चलो यार 54 की बात कर लेते हैं, सेम सबसे पहला काम जो करना है, क्या करना है, सबसे पहला काम करना है नंबरिंग कर दो, क्या होगा 8, 11, 3 का गैप 2, 4, 2 का गैप 6, 9, 3 का गैप 13, 16, 3 का गैप, तो एक ही वर्ड है जहां पर 2 का गैप है और सभी जगह 3-3 का गैप था, तो आंसर मेरा क्या होगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा, 54 का भी 2। चलो बेटा 55 की बात कर लेते हैं, सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना यार, नंबरिंग कर दो ना, 2, 4, 3, 5, 7, 9, 14, 12, अब देखो यार +2 + 2 + 2 या -2, तो आंसर आ गया 4 नंबर, सब जगह +2 + 2 हो रहा है और एक जगह माइनस आया बेटा, तो माइनस वाला पार्ट होगा ना, तो डायरेक्ट आंसर ये हो गया, तो इस तरह से 55 समाप्त। तो क्लासिफिकेशन में आप लोग के असाइनमेंट में इतनी क्वेश्चन है, फिर आपके बुक में है, बुक से बनाइए, बनाने का तरीका प्रोसेस आपको समझ में आ गया, ठीक है, अच्छा अच्छा चैप्टर आगे आएगा, बस रिक्वेस्ट है कि कोई भी चैप्टर को छोटा मत समझना, सारा चैप्टर बनाना, कभी ये गुमान मत करना ये मुझे आता है लेकिन फिर भी बनाकर देखो, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक होने का डर होता है, कुछ ना कुछ सीखने का हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, तो हर चैप्टर को ठीक से देखा करो, ठीक है दोस्तों, आज बस यहीं तक, थैंक यू।